Hello guys, welcome to Let's Crack UPSC CSE. This is me Gaurav Shukla and I welcome to all of you on India's largest learning platform Unacademy. Let's crack it. Guys, जो आज का topic है that is very very interesting. आज हम लोग जो discussion करेंगे जो part है सबसे पहले हम लोग satellites को समझने का प्रयास करेंगे. उसके बाद satellites का जो function होता है वो कैसे orbit कैसे वो घूमती है सैटेलाइट्स उन सबको हम लोग जानेंगे. उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स देखेंगे, इंडियन स्पेस प्रोग्राम देखेंगे और फिर उसके बाद हम लोग लॉन्च व्हीकल से जुड़ सकते हैं. सो गाइस, आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट है. अनअकैडमी ने यूपीएससी सीएसई 10 चैनल आप लोगों के लिए लॉन्च किया है. आई एम ऑडिबल और नॉट प्लीज टेल मी. Very good evening. Okay, so आप लोगों के लिए ये क्रिप्स एंड कंसाइज एंड टू द पॉइंट आपको कोई भी टॉपिक है उसका कवर किया जाता है और आप लोग इस चैनल को ज्वाइन कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. इसके अलावा एक आपके लिए अनाउंसमेंट है, जो 3 मेगा बैचेज है उसके लिए जो न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है दैट इज एक तो आपका स्टार्ट हो गया 25th में से और एक आपका भी लेटेस्ट में स्टार्ट हुआ है फ्रॉम 8th जून. तो आप सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं. वहां पर आपको बाइलिंगुअल जीएस बैच कोर्स भी है आप लोगों के लिए, हिंदी जीएस बैच कोर्स है एज वेल एज आपके लिए इंग्लिश जीएस बैच कोर्स है. तो यहाँ पर आपको पूरी की पूरी सिलेबस कवरेज कराई जाएगी. पूरा का पूरा आपके लिए प्रीलिम्स मेंस टेस्ट सीरीज है, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस है, इंटरव्यू प्रिपरेशन है. वहीं पर अगर आप लोग इसके लिए करना क्या होगा, आप लोगों के लिए अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना होगा, यूपीएससी सीएसई सब्सक्रिप्शन. फॉर 1 ईयर यू हैव टू पे टोटल जो पेमेंट पेबल फी है दैट इज 44,000. और अगर आप लोग ये कोड यूज करते हैं गाइज GS10 कोड देन यू हैव टू गिव 39,600. तो आपको इतना पे करना होगा. और इसके अलावा अगर आप 2 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं जो 2022 में इंटरेस्टेड है तो उनके लिए टोटल पेबल फी है 64,000. और अगर आप ये GS10 कोड यूज करते हैं देन यू हैव टू गिव 57,600. तो इतना आपको पेमेंट करना होगा. तो गाइज ऑल ऑफ यू हैव टू ज्वाइन इट. और एक बार आप जुड़ते हैं तो जितने भी टॉप मोस्ट एजुकेटर्स हैं 80+ एजुकेटर्स आप सब उनके साथ जुड़ जाते हैं. और इसके अलावा मेरा एक बैच चल रहा है, कोर्स चल रहा है इकोनॉमी का इन प्लस कोर्स, वहां पे आप मुझसे ऐड हो सकते हैं. सो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि व्हाट इज सैटेलाइट्स. तो गाइस सैटेलाइट्स अगर जनरल टर्म में बात करें, बिल्कुल जनरल टर्म में बात करें कि जैसे आप लोग देखते हैं कि सन है, राइट, सन है, सन के सराउंड में प्लैनेट्स घूमती हैं, अर्थ घूमती है सर के सराउंड में, राइट. तो इसी ढंग से अगर हम मून की बात कर लें तो मून किसका चक्कर लगाती है, मून चक्कर लगाती है अर्थ का. तो ये आपका सैटेलाइट्स है, राइट. तो सैटेलाइट सिंपल मतलब होता है इट इज अ मून प्लैनेट ऑफ मशीन दैट ऑर्बिट अ प्लैनेट ऑफ स्टार्स. तो जैसे मैंने अभी अर्थ की बात की या फिर हमने मून की बात की तो ये आपका नेचुरल सैटेलाइट्स है, राइट. वहीं पर थाउजेंड्स ऑफ जो आर्टिफिशियल मैनमेड सैटेलाइट्स हैं वो भी मौजूद है. वो अभी हम लोग देखेंगे जो इंडियन स्पेस प्रोग्राम है या टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स में. तो आपसे अगर कोई सिंपल टर्म में सैटेलाइट्स बोले, जनरल टर्म में बात करे तो इट मीन्स मून प्लैनेट या एनी मशीन दैट ऑर्बिट अबाउट अ प्लैनेट या स्टार. और अगर स्पेसिफिक टर्म में बात करें तो इट रिफर्स टू अ मशीन दैट आर लॉन्च्ड इनटू द स्पेस एंड मूव अराउंड अर्थ अनदर बॉडी इन द स्पेस. तो अब पार्ट्स देख लेते हैं सैटेलाइट. सैटेलाइट्स के क्या पार्ट होते हैं, तो बेसिकली दो पार्ट होता है गाइस. एक होता है आपका एंटीना, राइट. एक आपका होता है सैटेलाइट में एंटीना, वहां पर एक आपका अपलिंक एंटीना होता है, राइट. और एक आपका होता है डाउनलिंक एंटीना होता है, राइट. वहां पर आपका कमांड एंड कंट्रोल भी होता है. दूसरा आपका क्या होता है, पावर सोर्स होती है. इट कैन बी सोलर पैनल हो सकता है या फिर आपकी बैटरी हो सकती है. तो ये आपका पार्ट्स ऑफ सैटेलाइट है. एक तरफ आपका सैटेलाइट्स में एक तरफ आपका एंटीना हो गया और दूसरी तरफ आपका क्या हो गया गाइस, जो आपके सोलर पैनल्स हो गए.
अब जो सेटेलाइट्स हैं, जैसे अर्थ के अराउंड अगर कोई सेटेलाइट्स घूम रही है, चक्कर काट रही है, तो ऑर्बिट को भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है आपका लो अर्थ ऑर्बिट, ध्यान से सुनना गाइस, ये इंपॉर्टेंट है। एक आपका होता है लो अर्थ ऑर्बिट, जो कि मतलब ये जैसे अर्थ है इसके चारों तरफ कोई सेटेलाइट चक्कर लगा रही है, तो दैट इज लो अर्थ ऑर्बिट। एक आपका जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है और एक आपका पोलर ऑर्बिट है। तो गाइस जो आपका लो अर्थ ऑर्बिट है ये बेसिकली 2000 किलोमीटर से कम होता है अर्थ के, जो अर्थ से अगर आप मेजर करें तो 2000 किलोमीटर से कम होता है। नॉर्मली जैसे वो जो ऑर्बिट्स होते हैं, ये जो ऑर्बिट्स होते हैं, जैसे आपका इंडियन या फिर जो स्पेस प्रोग्राम की बात होती है, वो इस ऑर्बिट से संचालित होती है। एक पॉइंट तो ये है। दूसरा है गाइस, एक इंपॉर्टेंट है कि मोमेंटम कंजर्वेशन की बात होती है, तो लो अर्थ ऑर्बिट का क्या सिग्निफिकेंट है, तो एक हल्का से ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे, बस इतना है कि एम वी आर कॉन्स्टेंट होता है, मतलब वेलोसिटी और रेडियस उसका कांस्टेंट होता है। मतलब अगर हम अर्थ के और पास आएंगे, अर्थ के और क्लोज आएंगे, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो ये लो अर्थ ऑर्बिट होता है, यहाँ पर काफी तेजी से सेटेलाइट्स आपके चक्कर लगाते हैं। दूसरे पे आते हैं गाइस, एक जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होती है। तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब ये होता है कि अर्थ के, जैसे अर्थ के चारों तरफ हाइट पे चक्कर लगा रही है, बट पॉइंट क्या है गाइस कि जो अर्थ की जो स्पीड है, जिस स्पीड से अर्थ रोटेट कर रही है, उसी स्पीड से वो भी अर्थ के रोटेट कर रहा है, साथ में इंक्लिनेशन जीरो है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स कैसे मूव करती है, आपको मालूम होगा कि अर्थ कैसे स्पिन करती है, वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ के अगर हम रोटेशन की बात करें तो वेस्ट टू ईस्ट ऐसे मूव करती है। तो जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होते हैं, ये भी अर्थ के अराउंड वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं। पहली बात ये है, कितने हाइट पर मूव करते हैं ये दूसरा इंपॉर्टेंट है। तो ये मूव करते हैं करीब करीब 35,800 किलोमीटर के, राइट। तीसरा पॉइंट क्या है, ये डायरेक्टली इक्वेटर के ऊपर होते हैं। मतलब अगर आप इनको देखोगे, आप किसी एक पोजीशन से अगर आप इसको देखोगे, तो आपको ऐसा फील होगा कि ये जो सेटेलाइट्स है, जियो स्टेशनरी सेटेलाइट्स, ये एक ही पोजीशन पे, अगर आप नेकेड आई से उसको देखोगे, या फिर मतलब नेकेड आई तो वो मतलब अगर आप उसको ऐसे सामान्यतः आप देखोगे बिना मूव करते हुए अगर आप देखते हो, तो आप पाओगे कि जो अर्थ जिस उससे रोटेट कर रहा है, सेम उसी ढंग से रोटेट कर रहा है, तो आपको एक स्थान पर वो स्टैंडिंग स्टिल दिखेगा, दैट इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। अब इसी में एक और होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स। ध्यान देना, हम लोगों ने जियो स्टेशनरी मतलब स्टेशनरी है वो सैटेलाइट्स, अर्थ के साथ साथ रोटेट कर रहा है और इंक्लिनेशन भी उसका जीरो है और इक्वेटर के अराउंड रोटेट कर रहा है। जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स है, अगेन ये अर्थ के साथ साथ ये घूम रहा है, उसका भी जो ड्यूरेशन है एक दिन का, जो चक्कर लगाने का रोटेशन का, सेम है, बट उसकी पोजीशन स्टैंड स्टिल नहीं है। मतलब एक एरिया में उसकी पोजीशन स्टैंड स्टिल नहीं है, उसकी कुछ इंक्लिनेशन होती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स है, उसका एक और स्पेसिफिक पार्ट है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। जियो सिंक्रोनस बोल दिया, तो मतलब जो अर्थ है, अर्थ जिस रेट से रोटेट कर रहा है, अर्थ की जो एंगुलर वेलोसिटी है, उसी से वो सिंक्रोनस हो गया, उसी से वो सैटेलाइट मूव कर रहा है। बट अगर आप एक जगह से जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स को देखोगे, तो वो आपको ऐसा नहीं नजर आएगा कि वो आपका एक स्थान पर स्टैंड स्टिल है, वो एक एरिया में आपको ऐसा मूव करते दिखेगा, दैट इज जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स। अब उसी का एक और एडवांस आ जाता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, वो अगेन वही अर्थ का जो रोटेशन है उसी के साथ साथ वो भी घूमता है, वो भी रोटेट करता है। बट इसकी सबसे बड़ी खासियत है जियो स्टेशनरी का, आप अगर एक लोकेशन से देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो स्टैंड स्टिल है, मतलब वो एक ही पोजीशन पर है। तो दैट इज आपका वो क्या हो गया, वो आपका हो गया जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। तो एक आपका लो अर्थ ऑर्बिट पे मूव किया और एक आपका होता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पे जो सैटेलाइट्स मूव करती है उसको हम लोग बोल देते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, राइट। अब ये आता है तीसरा, पोलर ऑर्बिट। पोलर ऑर्बिट होती है वो क्या होती है, जैसे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या थी कि वो इक्वेटर के अराउंड चक्कर लगा रही थी, वही पोलर ऑर्बिट आपका पोलर के अराउंड, मतलब नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। जब इस ढंग से कोई सैटेलाइट्स मूव करती है तो उसको हम लोग बोल देते हैं पोलर ऑर्बिटिंग
सेटेलाइट्स। कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग जरूर कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आपका जियो स्टेशनरी सेटेलाइट्स है, इक्वेटर पर मूव कर रही है, जैसे जैसे अर्थ मूव कर रही है, रोटेट कर रही है, वैसे वैसे जियो स्टेशनरी सेटेलाइट्स मूव कर रहा है। वहीं जब हम पोलर ऑर्बिटिंग सेटेलाइट्स की बात करते हैं तो जो आपका नॉर्थ पोल है और जो आपका गाइस साउथ पोल है उसके अराउंड जो आपका मूव करता है, उसके अराउंड जो मूव करता है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं पोलर ऑर्बिटिंग सेटेलाइट्स। तो ये हो गया। लो अर्थ ऑर्बिट मतलब जो बहुत कम 500-600 किलोमीटर पे अगर कोई सेटेलाइट्स मूव कर रही है तो हम बोल देते हैं लो अर्थ ऑर्बिट में वो मूव कर रही है। एक तो पहले यह ऑर्बिट हो गया। अब आते हैं थोड़ा सा टाइप्स ऑफ सेटेलाइट्स पे और हम लोग इंडियन स्पेस प्रोग्राम उसके तहत हम लोग देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ सेटेलाइट्स में सबसे पहला टाइप्स आता है एस्ट्रोनॉमिकल सेटेलाइट्स। जैसे अगर इंडिया के किसी सेटेलाइट्स की बात करें एस्ट्रोनॉमिकल, तो वो आपका एस्ट्रोसैट है। वो सेटेलाइट्स क्या करता है, वो बेसिकली ऑब्जर्व करता है जो बहुत डिस्टेंट स्टार है या ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो स्पेस में हैं, उनको कौन ऑब्जर्व करता है, उनको ऑब्जर्व करता है एस्ट्रोनॉमिकल सेटेलाइट्स। और जो मोस्ट फेमस एस्ट्रोनॉमिकल सेटेलाइट्स है वो आपका एक हबल टेलीस्कोप है, राइट। ये क्या करते हैं एस्ट्रोनॉमी सेटेलाइट्स, इनका एप्लीकेशन है कि ये पिक्चर्स लेते हैं प्लैनेट्स के या डिस्टेंट स्टार्स के पिक्चर लेते हैं, ब्लैक होल्स की स्टडी करने का प्रयास करते हैं और जो डिफरेंट प्लेटनरी सरफेस है उनकी मैपिंग का प्रयास करते हैं। सो आपका ये एस्ट्रोनॉमी सेटेलाइट एप्लीकेशन हुआ। कम टू अ नेक्स्ट कम्युनिकेशन सेटेलाइट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बेसिकली नाम से क्लियर हो रहा होगा, ऐसे सेटेलाइट जो कम्युनिकेशन करते हैं, राइट, जो कम्युनिकेट करते हैं ओवर लार्ज डिस्टेंस। अगर हम इंडिया की बात कर लें तो इंडियन नेशनल सेटेलाइट सिस्टम है जो कि प्लेस्ड है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में। इंडिया या एशिया पैसिफिक रीजन का एक तरह से वन ऑफ द लार्जेस्ट डोमेस्टिक कम्युनिकेशन सेटेलाइट है। So, आपका एक तरफ इनसैट है और दूसरी तरफ है आपका जी सैट। अगर हम इंडियन सेटेलाइट सिस्टम की बात करें तो आपका इनसैट हुआ, जी सैट हुआ, इसको हम लोग आगे देखेंगे इंडियन नेशनल सेटेलाइट्स। अगर आप यहां पर देखें तो ऐसे ये वर्क करता है। अगर जैसे ये एंटीना है, यहां से क्या होती है, ये यहां से सिग्नल सेटेलाइट्स को जाता है, इस सिग्नल को ये सेटेलाइट क्या करती है, एम्पलीफाई करती है और एम्पलीफाई करने के बाद ये वापस इसका ग्राउंड इक्विप में ये वापस ये दूसरे उसमें सिग्नल को बैक कर देती है। तो एक तरह से कम्युनिकेशन का ट्रांसफर करती है एक जगह से कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स को, ये इसके तरह वो दूसरे जगह पे दूसरे मीडियम पे पहुंचाती है। तो दैट इज आपका ये कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स हुआ। अब एक और इंपॉर्टेंट है रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट्स, जिसको हम लोग अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट्स बोलते हैं। तो जो इंडिया की बात कर लें, अभी हम लोग IRS देखेंगे या रिसोर्स सी सैट की बात करेंगे, रिसोर्स सैट की बात करेंगे, तो दीज आर रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट्स। वो बेसिकली क्या करते हैं, अर्थ के सरफेस को ऑब्जर्व करते हैं। ध्यान देना गाइस, जो अर्थ का सरफेस है उसको ये ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट। अब जैसे यहां पर है जो अर्थ का सरफेस है, ये सारे के सारे सरफेस है, इसको ये क्या कर रहे हैं, ये पूरे सरफेस को ये ऑब्जर्व कर रहे हैं। अच्छा, ये ऑब्जर्वेशन कैसे करते हैं, कोई भी एरिया है उनका इंफॉर्मेशन कैसे निकालते हैं गाइस, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है उनका यूज करके बेसिकली ये इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। कौन कैरी करता है, जो आपका रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट्स है। तो बेसिकली ये जो भी अगर इसके एप्लीकेशन को देख लें, उससे पहले हम कुछ इंडिया के अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट्स को देख लें। तो जैसे आपका भास्कर वन है जो कि आपका 1979 में है, जो आपका फर्स्ट था जो रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट्स है या अर्थ को ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट्स है, इंडिया का फर्स्ट सेटेलाइट्स था भास्कर वन था। फिर आपका भास्कर टू आया, फिर धीरे 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 आपका डिफरेंट जैसे कार्टू सेट आया, अभी कार्टू सेट हम लोग पार्ट अभी जो लेटेस्ट लॉन्च हुआ है उसको हम लोग कवर करेंगे, राइट। इसके एप्लीकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि IRS सैटेलाइट्स का जो एप्लीकेशन क्या है, तो ये आपका स्पेस बेस्ड इनपुट है। तो ये बेसिकली क्या करता है, चूंकि ये अर्थ सरफेस को ऑब्जर्व करता है, ध्यान देना ये अर्थ सरफेस को ऑब्जर्व करता है, तो जो भी जैसे ड्रॉट को मॉनिटरिंग करता है,
फ्लड रिस्क है उसको मॉनिटरिंग करता है, या बायोडाइवर्सिटी है, या प्री हार्वेस्ट क्रॉप एरिया है, उन सबकी ये मॉनिटरिंग करता है। कौन मॉनिटरिंग करता है? जो आपका रिमोट सेंसिंग, जो आपका सेटेलाइट है, राइट। तो ये एप्लीकेशन है इसका। और डिफरेंट डिफरेंट जैसे इन्वायरमेंट के इम्पैक्ट की एनालिसिस करेगा, कोस्टल स्टडीज करेगा, स्नो मेल्ट, पूरा का पूरा अर्थ को ऑब्जर्व करने पे जो भी अब उसको ऑब्जर्व होता है सब का सब ये मेजर करता है। तो IRAS के डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है। एक आपका और है नेविगेशन सेटेलाइट्स, मतलब कि एक्यूरेट नेविगेट करता है, पोजीशंस को एक्यूरेटली वो मेजर करता है, दैट इज कॉल्ड अ नेविगेशन सेटेलाइट। उसमें आपका गाइस जो यूएसए का जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है GPS है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया भी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का यूज करती थी, बट इंडिया ने राइट नाउ लॉन्च्ड ओन नेविगेशनल सेटेलाइट्स IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम। अभी हम IRNSS के बारे में आगे पढ़ेंगे, अभी जस्ट हम लोग टाइप्स ऑफ सेटेलाइट्स को ब्रीफ कर रहे हैं। तो आपका एक GPS हो गया, GPS वाज सेट बाय द USA। तो चूंकि उसमें क्या था कि हर एक कंट्री है अपना अपना खुद का नेविगेशन सेटेलाइट्स, खासकर जैसे यूरोपियन कंट्री हो गया या चाइना हो गया, तो इंडिया भी उस पर डिपेंडेंट के बजाय अपना इंडियन रीजनल नेविगेशनल सेटेलाइट लॉन्च किया। तो एक ये पॉइंट हुआ। अगर हम फिर उसके बाद एक और टाइप आता है सेटेलाइट्स का, एक्सपेरिमेंटल सेटेलाइट्स होते हैं, जो आपका पेलोड डेवलपमेंट्स हो गया या ऑर्बिट कंट्रोल की बात हो गई। जैसे आपका डिफरेंट सबसे पहले आपका आर्यभट्ट की बात हुई, तो आर्यभट्ट आपका क्या हुआ, एक तरह से ये एक्सपेरिमेंटल सेटेलाइट्स हुआ, दैट हैज बीन आल्सो लॉन्च्ड। ये अभी हम जस्ट टाइप्स पढ़ रहे हैं, फिर और देखेंगे। फिर साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन के लिए डिफरेंट सेटेलाइट्स लॉन्च किए जाते, आपका ये हुआ। फिर एक होता है रिकॉनिसेंस सेटेलाइट्स होते हैं गाइस, वो ऐसे सेटेलाइट्स होते हैं जो मिलिट्री पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं। वेदर सेटेलाइट्स भी होता है, जैसे कल्पना 1 हो गया, INSAT 3 हो गया, दीज आर पार्ट ऑफ द वेदर सेटेलाइट्स। तो अब हम लोग इंडियन स्पेस प्रोग्राम को देखते हैं। तो इंडियन स्पेस प्रोग्राम के अगर हम लोग लॉन्च की बात कर लें, तो आपका जैसे INSAT है, तो इंडियन नेशनल सेटेलाइट सिस्टम, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डोमेस्टिक कम्युनिकेशन सेटेलाइट सिस्टम दैट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन 1983। तो 1983 में ये एस्टैब्लिश हुआ विद कमीशनिंग ऑफ INSAT 1B। उसमें फिर आपका जैसे GSAT की बात कर लेते हैं, GSAT 18 की बात कर लें, तो जो इंडिया का जो सैटेलाइट सिस्टम प्रोग्राम है जिसको हम लोग INSAT बोलते हैं, दैट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन 1983। डिफरेंट आपके जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, दैट हैज बीन प्लेस्ड इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। अगर यहाँ पर हम लोग देखें, तो जैसे आपका ये सारे के सारे INSAT 1A है, फिर आपका INSAT 1B है, फिर आपका INSAT 4B है, ऐसे कर करके, फिर बाद में आपका GSAT है, GSAT 15 है। अभी जो बिल्कुल लेटेस्ट में है GSAT 30, उसको हम लोग जरा देख लेते हैं। जो GSAT 30 है, दैट हैज बीन लॉन्च्ड, ये जो सेटेलाइट लॉन्च हुआ, ये लॉन्च हुआ आपका जो फ्रेंच गुआना है, वहां पर ये विकल्प लॉन्च हुआ है। मतलब ये जो लॉन्च व्हीकल का नाम है एरियन 5B है, और ये सेटेलाइट GSAT 30 लॉन्च हुआ है। और ये जो GSAT सेटेलाइट है, इसके 2-3 पॉइंट्स है, वो बस आप लोग याद कर लीजिए कि एक तो इसका जो बैंड्स की बात होती है, जो फ्रीक्वेंसी की बात होती है, उसमें CNKU फ्रीक्वेंसी है, एक आप लोग इसको याद कर सकते हैं। और ये जो INSAT 4A स्पेसक्राफ्ट है, उसको ये रिप्लेसमेंट किया है, राइट। और इसका जो डिजाइन है, और इसको बनाने में काफी मेहनत लगी, बट फाइनली इट हैज बीन लॉन्च्ड एंड सक्सेसफुली इट हैज बीन कंप्लीटेड, राइट। तो एक GSAT 30 है, इसका यूज देख लेते हैं। तो GSAT 30 क्या प्रोवाइड करेगा, DTH आपका टेलीविजन सर्विसेज देगा, आपका जो VSAT की बात होती है,
जो डिफरेंट आपका डिजिटल सेटेलाइट्स न्यूज गैदरिंग की बात होती है वो सारा का सारा आपका G-SAT-30 प्रोवाइड करेगा। बेसिकली एक तरह से इट हैज बीन होस्ट ऑफ इमर्जिंग टेली कम्युनिकेशन एप्लीकेशन। तो ये आपका एक हो गया G-SAT-30। फिर आपका उसी ढंग से इंडियन हम लोग बात कर रहे हैं तो जैसे एडुसैट प्रोग्राम है, एक जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट लॉन्च किया गया एडुसैट जो कि आपका एजुकेशन से रिलेटेड था, राइट, क्रिएटिव है इंटरेक्टिव क्लास के लिए। फिर आपका जैसे टीवी सर्विस की बात होती है, एजुकेशनल टीवी सर्विस की बात होती है तो इनसैट बीइंग यूज्ड टू प्रोवाइड एजुकेशनल टीवी सर्विस फॉर प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन, राइट। फिर आपका टेलीमेडिसिन की बात होती है तो आपका जैसे टेलीमेडिसिन में आप जानते होंगे कि यहाँ पर जैसे आप एक जगह है, ये आपका हॉस्पिटल है और आप कॉन्फ्रेंसिंग और स्पेशल उसके कनेक्टिविटी कर करके पैनल आप डॉक्टर है, आप यहाँ पे मौजूद हैं डिस्टेंट वर्जन में तो इस सेटेलाइट के थ्रू, इसके थ्रू आप अपना एक तरह से मेडिकिनल जो भी इफेक्ट है या मेडिसिन उसको प्रोवाइड किया जा सकता है। तो एक टेलीमेडिसिन कॉन्सेप्ट पे बेस है आपका, जो कि आपका क्या है टेलीमेडिसिन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया 2001 में, क्योंकि आपको मालूम होगा कि जो हमारी ग्रास रूट लेवल पॉपुलेशन है जो ग्रामीण में है, जो बड़े शहरों में नहीं आ सकती और जो डॉक्टर्स हैं तो उनको कनेक्टिविटी के लिए ये टेलीमेडिसिन प्रोग्राम किया गया ताकि उनको जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी उनका इलाज करने की बात है, दैट हैज बीन डन फ्रॉम द टेलीमेडिसिन आपका इस सेटेलाइट्स के चलते। सो सेटेलाइट एडेड सर्च एंड रेस्क्यू हो गया, इट इज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल कॉस्पेस एंड सारसेट प्रोग्राम है, राइट। तो ये आपका जो डिस्ट्रेस अलर्ट एंड पोजीशन लोकेशन है उसके लिए इंडिया मेंबर है, जो आपका सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए इंडिया बिकम अ कॉस्पेस एंड सारसेट मेंबर, ये जस्ट मैंने मेंशन कर दिया है। अच्छा, जो लिस्ट ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट्स है उसमें जो एक लेटेस्ट लॉन्च हुआ कार्टोसैट 3 वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। बेसिकली इट इज अ अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट है दैट इंक्लूड द रिसोर्स सैट एंड आरआई सैट सीरीज। ये बेसिकली क्या करता है कि जो मैपिंग है, जो लार्ज स्केल मैपिंग ऑफ द अर्थ है थ्रू हाई रिजोल्यूशन कैमरा, उससे हम हाई रिजोल्यूशन कैमरा के तहत ये कार्टोसैट सेटेलाइट्स है जो कि आपका अर्थ को ऑब्जर्व करती है। तो इतना आपको ये जानना है। फिर आपका नेविगेशनल सेटेलाइट्स है तो उसमें गाइस एक आपका गगन है, जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सेटेलाइट्स है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ गगन आर टू प्रोवाइड सेटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सर्विस With accuracy and integrity. तो एक तो वो हुआ नेविगेशन में, एक मैंने बताया आपका गगन है और एक जो दूसरा नेविगेशन है दैट इज इंडियन रीजनल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम, राइट। तो इंडियन जो रीजनल नेविगेशनल सेटेलाइट सिस्टम है ये इंडिपेंडेंट जो इंडियन सेटेलाइट बेस्ड पोजिशनिंग सिस्टम है दैट प्रोवाइडेड टू टाइप ऑफ सर्विस, एक आपका है स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस है और एक आपका है रिस्ट्रिक्टेड सर्विस। थोड़ा सा हम इसको और अच्छे से देखें तो यहां से समझ सकते हैं कि जो इसरो है और जो आपका कमर्शियल विंग अंतरिक्ष है दैट हैज डेवलप्ड इंडियन रीजनल नेविगेशनल सेटेलाइट सिस्टम IRNSS और इसका जो ऑपरेशनल नेम है दैट इज नेविक, मतलब नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टेलेशन। अच्छा, नेविक, अगर नेविक के बारे में इसमें यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है तो नेविक के बारे में जैसे ये है कि ये 7 सेटेलाइट्स हैं, 3 आपके जियो स्टेशनरी सेटेलाइट्स हैं जो कि आपका स्टैंड स्टिल है और 4 आपका जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट्स है जो कि अगेन सेम वो अर्थ की जितनी एंगुलर वेलोसिटी है उसी से वो भी वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रहा है, बट वो आपका अगर एरिया वाइज देखें तो एक पोजीशन पर फिक्स नहीं है। तो ये पूरी सीरीज है, सीरीज ऑफ 7 सेटेलाइट्स है, इसका ऑपरेशनल नेम नेविक है, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन। तो इट इज एन इंडियन रीजनल नेविगेशनल सेटेलाइट सिस्टम है जो कि इसरो आपका अपने कमर्शियल विंग के थ्रू, अंतरिक्ष के थ्रू इसको लॉन्च किया है। ये इसका जो वर्किंग है ऑलमोस्ट सेम है जो आपका जीपीएस है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है उसकी तरह इसका वर्किंग है। और अगर यहाँ पर आप देखें तो थोड़ा सा डिफरेंस है जो आपका नेविक है और जीपीएस में कि एक्यूरेसी ज्यादा एक्यूरेट है जीपीएस के कंपैरिजन में, जो आपका यूएसए का नेविगेशन सेटेलाइट्स है
उसके कंपेरिजन में ये आपका ज्यादा एक्यूरेट है, अप टू 5 मीटर तक एक्यूरेट है, वही जीपीएस आपका अप टू 20 to 30 मीटर है। वही फ्रीक्वेंसी की बात कर ले तो यहाँ पे एस बैंड एंड एल बैंड है आपकी फ्रीक्वेंसी है, और आपका जो जीपीएस है वो आपका एल बैंड है, राइट। तो ये आपका हो गया नेविगेशनल सेटेलाइट सिस्टम, जो नेविगेशन है आईआरएनएस वगैरह। सो गाइड गाइस, ये आपका आज का सिलेबस रहा जो आज हम लोगों ने स्टडी किया, जो इंडियन जो पूरा सेटेलाइट सिस्टम है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप पूछ सकते हैं, यू कैन टेक्स्ट मी, यू कैन आस्क मी, ये मेरा कोड है, इस कोड को यूज करके। सो गाइस, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी। कहीं पे डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं। जो मेन पॉइंट था, थोड़ा इसमें टेक्निकल टर्म भी है तो वो हमने डिस्कस नहीं किया, हमने केवल एज जो भी टाइप्स हैं और जो मेन उसकी फंक्शनिंग है उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। So thank you for joining me.